लोक जनशक्ति पार्टी ने पंचायत तथा बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की। पार्टी संगठन ने अधिक से अधिक छात्र, युवा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को घर घर सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश दिया। लोजपा के जिला संगठन प्रभारी सह प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार ने कहा कि लोजपा जिला अध्यक्षों की बैठक 13 मई को पटना के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस प्रदेश स्तरीय बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान, प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस शामिल होंगे। लोजपा के जिलाध्यक्ष माधव सिंह ने कहा कि सरकार के साथ निश्चय का मात्र छलावा है। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार अराजकता और भ्रष्टाचार से परेशान है। इस मौके पर लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा, प्रदेश महासचिव वैद्यनाथ सिंह समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेरी तरफ से सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया साथियों को नमस्कार। आज की जो ये वार्ता बुलाई गई है, खास करके लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन पर, अभी पिछले माह 29-30 को हम लोगों को राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था दादर नगर हवेली में, महाराष्ट्र में। वहाँ हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला है कि 10 यूथ हर बूथ पर बनाना है और हमारा टारगेट इस बार है 2 लाख सदस्य को बनाने का। उसी क्रम में हम यहाँ समीक्षात्मक बैठक किए हैं अपने जिला के साथियों के साथ, सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ, और मुख्य रूप से टारगेट वही है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जो समाज के पिछड़े साथी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़ना। इसी बिंदु पर हम लोग ये प्रेस वार्ता बुलाए थे और हमारा लक्ष्य है कि 2019 से पहले कम से कम 2 लाख नए साथियों को फिर से लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के हाथ को मजबूत करने के लिए जोड़ें। शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी के आह्वान पर दिनांक 13/5/2017 को प्रदेश कार्यालय में हाई पावर कमेटी का बैठक बुलाया गया है। हाई पावर कमेटी में पूरे बिहार के लोजपा के जो प्रदेश जिला के अध्यक्ष हैं उसमें भाग लेंगे। उसमें इस बात का समीक्षा किया जाएगा कि पूरे जिला में हर प्रखंड स्तर पर लोजपा का संगठन क्या क्या, अभी तक किस जिला में क्या संगठन बना है कि नहीं बना है, संगठन का क्या आधार है, उसी के लिए हाई पावर का कमेटी का बैठक किया गया 13 तारीख को। हम लोग सभी जिला के जितने भी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के हर विंग के जिला अध्यक्ष हैं उस कार्यक्रम में हम लोग भाग लेने के लिए कल पटना जा रहे हैं। कि हमारे प्रदेश के जो महासचिव हैं वैद्यनाथ सिंह जी, इनके द्वारा एक अल्पसंख्यक मदरसा का मामला उठाया गया है। जो अल्पसंख्यक मदरसा यहाँ फॉल्स कागज पर बना करके कुछ लोग मदरसा के नाम पर यहाँ पर बिजनेस चला रहे हैं। हम जिला प्रशासन से भी मांग करना चाहते हैं कि ऐसे मदरसा जो फॉल्स कागज़ पर चल रहा है, ऐसे मदरसा को बंद कर किया जाए। मदरसा में अमोर प्रखंड में तेलंगा गांव है, जहाँ पर कि मदरसा निर्माण के लिए जमीन दिया गया, लेकिन जो जमीन दिया गया उसमें मदरसा नहीं बना करके उस जमीन को एक में मकान बना दिया गया, भाड़ा लगा दिया गया, और एक ही परिवार के लोग पूरे मदरसा को अपने कब्जे में लेकर मदरसा चल नहीं रहा। फर्जी मदरसा के नाम पर शिक्षकों की बहाली हो गई, फर्जी मदरसा के नाम पर जो स्कूल छात्र स्कूल में पढ़ रहे छात्र उनकी नामांकन कर ली गई और फर्जी मदरसा बना कर वहाँ पर चलाया जा रहा है। जब वहाँ के लोगों ने विरोध किया तो विरोध करने का परिणाम हुआ कि वो जो मदरसा के संचालक हैं, एक शिक्षक हैं मोहम्मद मुश्ताक अफाक आलम, जो कि अफाक आलम साहब वहाँ पर काफ़ी दबंग लोग हैं, उनके डर से उस इलाका में कोई बोलता नहीं है, और उन्होंने वहीं पर मदरसा के विरोध करने के कारण जमील साहब को मुकदमा में फंसाए। और इनको ये पता नहीं कि मुकदमा क्या हुआ, सरपंच साहब ये नहीं बता रहे हैं कि मुकदमा क्या हुआ, लेकिन नोटिस जारी करके ये कह रहे हैं कि आप जो है सो अफाक का पैर पकड़ लीजिए, बाउंड भरिए कि आप मदरसा का वापस कर लेंगे, नहीं तो आपको जेल भेजा जाएगा, मुकदमा में फंसाया जाएगा। हम लोगों ने इसका आवेदन आज SP साहब को दिया और SP साहब से आश्वासन मिला है कि हम इसकी जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को या आम जनता को परेशान किया जाएगा तो लोक जनशक्ति पार्टी के लोग गाँव में जा कर के हम अभियान चलाएँगे और वैसे लोगों के खिलाफ जो फर्जीवाड़ा करके
लोग समाज को, देश को और राज्य को धोखा दे रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं।